अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। नमक इंसान की अहम तरीन जरूरियात में से एक है। यह बात खुशाइंद है कि पाकिस्तान में नमक के वसी ज़खायर मौजूद हैं, जिनका शुमार दुनिया के बड़े ज़खीरों में होता है। इस हवाले से खेवड़ा के नमक की कान में दुनिया का बेहतरीन नमक वसी मकदार में मौजूद है। लाखों साल पहले मौजूदा पंजाब ज़ेरे आब था। हजारों साल गुजरने के साथ ये पानी बुखारात की सूरत में उड़ गया और नमक का एक जखीरा पीछे छोड़ गया। कोहिस्तान का ये इलाका तकरीबन 160 मील लंबा और इसकी औसत बुलंदी तकरीबन 2200 फीट है। कोहिस्तान में मौजूद नमक की सबसे बड़ी कान खेवड़ा है। खेवड़ा की अहमियत तारीख के हर दौर में रही और मुख्तलिफ अदवार में कई हमलावर इसी रास्ते से हिंदुस्तान पर कब्जा करने की कोशिश करते रहे। खेवड़ा की मौजूदा शक्ल अंग्रेजों के आने के बाद बनी। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनीज पर काबिज हो गई और फिर ये सिलसिला सल्तनत बरतानिया का हिस्सा बन गई। इम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज 1936 में कायम की गई, जो आज भी इस कान की सबसे बड़ी सारिफ है। खेवड़ा तक पहुंचने के लिए कई रास्ते हैं और मोटरवे बनने की वजह से खेवड़ा पहुंचना आसान हो गया है। इस कान से नमक निकालने का तरीका आज भी वही है जो अंग्रेज ने राइज किया था। 2008 तक इस कान की सालाना पैदावार 4,92,000 टन थी। ICI के अलावा सितारा केमिकल्स और इत्तेहाद केमिकल्स भी इससे मुस्तफीद हो रही है। खेवड़ा कान की मकबूलियत की वजह से यहाँ सयाहों की एक बड़ी तादाद तफरीकी गर्ज से आती है, लेकिन कान में दाखिल होने से पहले सयाहों को हिफाजती तदाबीर बताई जाती है। कान के एक हिस्से को सयाहों की तफरी के लिए मख्तस कर दिया गया है। कान की सुरंगों का एक अजीब और गरीब सिलसिला है जो 17 मंजिलों पर फैला हुआ है। कई जगहों पर नमक की टाइलें बिछाकर इनमें बल्ब लगाए गए हैं। इस्तकबालिया से कान के दहाने तक पहुंचने के लिए एक पुख्ता राहदारी तामीर की गई है, जहां रोशनी का पूरा इंतजाम मौजूद है। कान में लोगों की आमोदरफ के लिए एक छोटी ट्राम है जो कान के दहाने से 1 किलोमीटर अंदर तक जाती है और इसे बिजली के जरिए चलाया जाता है। यहाँ एक अनोखी मस्जिद भी है जिसे मजदूरों की बादशाही मस्जिद कहा जाता है। शायद ये दुनिया की वाहिद मस्जिद है जो ईंट और गारे से नहीं बल्कि नमक से तामीर की गई है, जिसे 1960 में तामीर किया गया था। मस्जिद से चंद कदम के फासले पर एक पोस्ट ऑफिस और नेट कैफे तामीर किया गया है। कार में एक बहुत बड़ा कमरा है जिसे असेंबली के नाम से मौसूम किया गया है। कान में मुख्तलिफ हिस्सों को मिलाने